नमस्कार प्रयास न्यूज को स्वागत करुछि मु रोजालिन। आमरा प्रयास आपणक निकटरे सत्य खबर सठिक टाइम रे पहुंचाइबा। तेबे संपूर्ण खबर देखिबा पूर्वरु चालंतो देखिनेबा प्रथमे आजिरो हेडलाइन्स। भारतर श्रेष्ठ 10 जण आईएएस को मध्यरे पुरी जिल्लापाल सप्तम स्थान रे। आईपीएस स्तररे अदल बदल, अखिलेश्वर सिंह हेले पुरी एसपी। कोविड मुकाबिला नहीं मुख्यमंत्री का समीक्षा बैठक। रोगी सुविधा, कोविड योद्धा सुरक्षा और फोकस जिला उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्व। आर्थिक संकट रे श्रीमंदिर रत्न भंडार रक्षक। वर्तमान खबर संपूर्ण रे। भारतर विभिन्न श्रेष्ठ 10 जण आईएएस को मध्यरे पुरी जिल्लापाल बलबंग सिंह सप्तम स्थान रे अछंती। कर्तव्य परायण एवं निष्ठार सह कार्य करूथिबा आईएएस माने भारत सरकार द्वारा एक टॉप 50 आईएएस मानक नाम सूची जारी होइथिला। सेथिमध्यरे टॉप 10 जणक मध्यरे पुरी जिल्लापाल थिबा खबर एबे समग्र पुरी एवं श्री सिंह को जन्ममाटी तथा राजस्थान बड़मेर जिला कालेबा गांव समस्त अधिवासी श्री सिंह को शुभकामना जणाइबा सह एहा एक गौरव कथा बोली कहिछंती। फनिटो से तांकर काम कार्य रे दृढ़ता और तांकर शक्ति देखै से बहुत भल कार्य करथिले। जो मानकर सब घर द्वार भांगी जाइला सेम पाखे कमी फनी सब व्यवस्था विपर्य व्यवस्था तक कि जल्दी जल्दी पहुँचो तार से अनुधान कर जल्दी जल्दी पठाई थे। रथयात्रा को भी से ईर से भल भाव तत्वधान नहीं तापर आप जानते कोरोना भाया महामारी है तादेह से कौ भाया व्यवस्था से लोक सटडाउन लकडाउन लोक बुझे लोक तालीम प्राप्त कर भाया व्यवस्था से सुचारू रूपे करते लकडाउन व्यवस्था भी रथयात्रा हम कि नहीं हम कि नहीं हम कि नहीं से रथयात्रा होता रथयात्राटा भी सी जिलापा पूरी जिलापा बढ़िया रूपे सुचारू रूपे संपादन करते हैं। जिलापा को आम अशेष अशेष धन्यवाद दौचु आ भगवान को जगन्नाथ पाखे कामना करूँ तर सी यही भाव दृढ़ भाव कार्य दक्षतार से कार्य करूँ आगामी भविष्य उज्ज्वलमय भगवान तुमको आशीर्वाद दे था अत्यधिक गोटे गौरवमय कथा गोटे गर्वर आ गौरव कथा यहाँ आ पूरी बासिंदा भी एथप बहुत गौरवमय अच्छा आ गर्वित भी आम समस्त गर्वित जिलापा 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 जेहेतु सारा भारत आज सप्तम स्थान प्रशासनिक अधिकारी भर स्थान पाई से मैंने गौरवमय कथा। अंपटे जिलापा बलवंत सिंह का एक खबर शुणी पूरीवासी अति आनंद प्रकाश कर बेले श्री सिंह पुरी रा समस्त परिस्थिति रे दृढ़तार सह मुकाबिला करिबा एवं फनी भली महाबात्या रे पुरी जे भली बाह्य जगत रु विच्छिन्न होई जाइतिला सेही समय रे राज्य सरकार एक कर्तव्य परायण आईएएस को पुरी दायित्व रे पठाइथिले। जे पुरी रे जेबे थारु हमर कलेक्टर बलवंत सिंह आसीलेने मारे तांको समय रे बहुत चैलेंज चली वर्तमान ये फनी हेला एवं रथयात्रा है बर्तमान कोविड है जो कोविड 19 बर्तमान जो भाई महामारी आपको भी से सुचारू रूप से समाधान कर रथयात्रा 24 घंटा भितर ये रथयात्रा 24 घंटा भितर एत चैलेंज करके सुरखुरी से चलवा बोधे गोटे विश्वर प्रथम इतिहास रेकर्ड बोली आमको कह पड़ एवं प्रत्येक क्षेत्र में जो भली भाव से लोक अच्छा साहय सहानुभूति करोसी लोक किए पाखु खाली हाथ में फेरी पारोण कार्य सी सुचारू रूप से समाधान करेंपाई गर्व गर्वित। जिलापाल श्री सिंह फनी रे भांगी पड़ा पुरी को खूब कम दिन में समस्त व्यवस्था जोगाई एक दक्ष जिलापाल भाव निज दायित्व तुलाईपर चलित बर्ष रथजात्रा एक प्रकार चैलेंजिंग बेले कोविड कटका बिना भक्त रथजात्रा संपादन कर देखा को गले श्री सिंह जड़े कर्तव्य परायण एवं लोकों हितरे कार्य करूथिबा जड़े दक्ष जिलापाल बोली साधारण रे चर्चार विषय पलटिछि। बलवंत सिंह फनी महावात्या पुरी के आसिले आसिकी महावात्या को मुकाबिला कले
पूरी जिला प्रशासन को सजाड़िले पूरी जिले रे एभली काम कले फनी महावात्यार सबुटी जो जोगाजोग विच्छिन्न होता आप विद्युत रु जल ठू सब धरिकी कार्य से आगभर है आउ फनी महावात्यार मात्र 4 मास पर रथयात्रा थी गोटे विराट चैलेंज से गत बर्षर से मुकबिला को चैलेंज को मुकबिला को ग्रहण कर से रथयात्रा को सुरखुरी संपन्न कले गत बर्ष रथयात्रा ए चलित बर्ष रथयात्रा भी गोटे विराट महामारी समय आसला सेत भी सीए डरी जा कि पछ घुंचा दे ना सी चाहूल रथयात्रा हो किंतु किसीटा असुविधा जो 13 दिन विलंब रथयात्रा रथ निर्माण कराइला कि रथ निर्माण से बहुत खुशी थे सी कहते हैं रथयात्रा जमी करें देखू पूरीवासी कारण सी चाहूल सब जिनटा को चैलेंज बोली चाहते पूरी जिलापाल बर्तमान जी से अत्यंत दक्ष आउ अत्यंत मिष्ट भाषी आत्यंत व्यवहार कार्यकुशल दक्षता जो सी बर्तमान पूरी सहर से तथा पूरी जिले में समस्त प्रिय भाजन जहाँ जहाँ असुविधा हेल्ले सी संगे संगे जिलापा भेटिक जनाऊँच कि ट्विट कर ह्वाट्सअप दौना संगे संगे कार्य कराऊँ आम हूँ जिलापा अभिनंदन जनाऊँ आप टीवी माध्यम रे जिलापा यह भाव में उन्नति करूँ आई जिलापा हिसाब से सी जो बड़े सारा भारत बर्ष गोटे भल रैंक पाइ 7 रैंक पाई आम बधे जनाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ। भुवनेश्वर डीसीपी हेले पुरी एसपी उमाशंकर दास। भुवनेश्वर डीसीपी अनूप साहू को गुइंदा डीआईजी भावे नुआ निजुक्ति मिली। पुरी एसपी भावे कटक डीसीपी अखिलेश्वर सिंह तांको स्थान रे कंधमाल एसपी प्रतीक सिंह कटक डीसीपी दायित्व संभालिबे। बदलिले ट्राफिक डीसीपी सागरिका नाथ सुंदरगढ़ एसपी भावे बदली करा जाई स्थान नेबे सुंदरगढ़ एसपी सौम्या मिश्र। नुआपड़ा एसपी विनीत अग्रवाल को कंधमाल एसपी भावे बदली करा जाई। देवगढ़ एसपी राहुल जैन होइछंती नुआपड़ा एसपी। एसपी जमादार को देवगढ़ एसपी भावे मिली नुआ निजुक्ति। बदलिले गजपति एसपी सारा शर्मा विजिलेंस विभाग को बदली करा जाइथिबा बेले तपन पटनायक को गजपति एसपी भावे निजुक्ति मिली। रोगी सुविधा कोविड योद्धा सुरक्षा और फोकस जिला उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्व। राज्य में कोविड हस्पिटाल सज्जा आंबुलांस और आईसीयू सज्जा वृद्धि करा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज एक उच्चस्तरीय बैठक में कोविड मुकाबला संपर्क में समीक्षा करते। बैठक में मुख्यमंत्री कोविड रोगी सुविधा कोविड रोगी निरापत्ता उपरे विशेष गुरुत्वारोप करते। सहित राज्य 5 टी फोकस जिले में तदारक व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने मुख्यमंत्री परामर्श देते। एहा सहित कोविड युद्ध रे आगरे रही कार्य करूथिबा योद्धा मानकर मनोबल को उच्च रखिबा पई सेमानक सह नियमित जोगाजोग रे रहिबा पई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जिला पर्यवेक्षक मानक परामर्श देथिले। सूचना योग्य जे मुख्यमंत्री निजे प्रतिदिन विभिन्न जिले रे कोविड योद्धा मानक सहित कथाबार्ता करूछंती। एही अवसर रे परीक्षा पाई अधिक लैबोरेटरी टेक्नीशियन और अधिक एम्बुलेंस मृतयन करिबा उपरे मध्य मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिथिले। सेहिपरि मृत्युवरण करथिबा कोविड रोगी मृतदेह को मर्यादापूर्ण भावरे सत्कार कराजिबा उपरे स्वतंत्र दृष्टि देबा पाई मुख्यमंत्री परामर्श देथिले। अन्यन्य विषय मानक उपरे कोविड योद्धा मानकु नियमित तालीम उत्तम खाद्य जोगाण उपरे मध्य मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करथिले। समीक्षारु जणा जाइछि जे गंजाम कटक जाजपुर सुंदरगढ़ और खोर्धा एही 5 टी जिला को अधिक प्रवासी आगमन तथा जीवा आसीबा वृद्धि कारणरु परिस्थिति आह्वानमूलक रहिछि। तेणु एही सबु जिला उपरे अधिक फोकस करा जाई पदक्षेप निया जाइछि। गंजाम जिले में अधिक मानव संबल सहित अधिक भेंटिलेटर एम्बुलेंस सज्जा आदि व्यवस्था करी समस्त भित्तिभूमि को आहुरी सुदृढ़ करिबा पई मुख्यमंत्री परामर्श देथिले। मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी कहिथिले जे राज्य रे कोविड मुकाबला पई थिबा समस्त नीति और निर्देश को कड़ाकड़ी पालन करा जाउछि। गंजाम जिले रे थिबा आह्वान मुकाबला पई आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। भविष्यत को दृष्टि रे रखि एही सब शहर मानकरे आहुरी 200 आईसीयू बेड सहित सज्जा संख्या आगामी 7 दिन मध्यरे वृद्धि करिबा पई पदक्षेप निया जाइछि। पुरी शहर रे सेरो सर्भेलांस संपूर्ण होइथिबा बेले भुवनेश्वर रे कम्युनिटी सेरो सर्भेलांस संपूर्ण होइछि।
सहित हाईरिस्क पॉपुलेशन सेरो सर्वेलांस जारी रही बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आसंता कालीठारु राज्य रे प्लाज्मा थेरापी भुवनेश्वर सम किम्स और कटक अश्विनी हॉस्पिटल रे आरंभ करा जिवो। एससीबी मेडिकल कॉलेज प्लाज्मा थेरापी रो नोडल सेंटर भाबरे काम करिवो बोली सूचना दिया जाइथिला। प्रारंभ रे मुख्यमंत्री श्री पटनायक विभिन्न जिला रो कोविड ऑब्जर्वर मानक सहित सेमानक जिले में कोविड स्थिति चिकित्सा सुविधा परीक्षण और गोष्ठी समन्वय संपर्क में पचारि बुझिथिले। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्य उपदेष्टा स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर मुख्यमंत्री सचिव एवं विभिन्न विभाग शासन सचिव और कोविड पर्यवेक्षक माने जोग देथिले। कोविड रो सुस्थ होई घर को फेरी कंधमाल जिला रायकिया अंचल गोपीनाथ डाकुआ सह मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक आज टेलीफोन जोगे कथा होई तंकर भलमंद पचारी बुझिथिले। परिणत बयस से जेपरी दृढ़ मनोबल और गभीर आत्मविश्वास सह कोविड रो मुकाबिला करी सुस्थ होई मुख्यमंत्री तार उच्च प्रशंसा करिथिले। भुवनेश्वर विश्वजीत दास को रिपोर्ट। I would like to find out from each of the COVID observers if they've been talking to the patients in the hospitals, also to the COVID warriors, and I shall begin by asking each district to explain what they've been doing. बौद्ध जिले में आज नुआ सात जन कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हट होती। सेमानक मध्यरु बौद्ध सहररु तीनि जन पुरुणा कटक अंचलरु दुई जन संकुली संगरोध केन्द्ररु जणे प्रवासी होइथिबा बेले अन्य जणे मथुरा ग्रामर बोली जणापडिछि। प्रशासन पक्षरु सहररु बुटुपाली लिप्सा छकठारु कचेरी छक एवं कचेरी छकठारु जिलापालंक कार्यालय पर्यंत अंचलकु कंटेनमेंट जोन घोषणा कराजै शटडाउन कराजैछि। एहा 72 घंटा पई आसंता 17 तारीख सकाळ 10टा समय पर्यंत बलबत्तर रहिबो। स्वतंत्र मेडिकल टीम एही अंचल गुड़िकरु घर को घर जाई स्वास्थ्य जांच करिवे। प्रशासनिक अधिकारी माने विभिन्न अंचल दायित्व रे रही परिस्थिति उपरे नजर रखिछन्ति। आक्रांत मानको बौद्ध कोविड केयर सेंटर को स्थानांतर करा जायछि। बौद्धरु प्रणति पंडांक रिपोर्ट। एबे समय जाइछि एक विरतिर विरति परे अन्यन्य खबर। अमृत दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया। ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक अमृत वाटर विद आर मिनरल्स। प्यास जरूरी है। अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहाला एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क। मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ स्वाद और क्वालिटी में दमदार। ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में। मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा। मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए। मीना जी पाचक अजवाइन पाचक और गैस नाशक। खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला। खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला। अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान। हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर।
समस्त दुनिया सत्य पढ़ंतु सठिक पढ़ंतु पढ़ंतु अमृत दुनिया ताजगी का एहसास अपने होठों से रूह तक अमृत वाटर विद अरब मिनरल्स प्यास जरूरी है अमृत टोन मिल्क कैल्शियम र शक्ति सह पैस्चराइज्ड एंड होमोजेनाइज्ड जहां है एकदम प्योर अमृत टोन मिल्क मीना जी मावा आपके सफर में आपके साथ स्वाद और क्वालिटी में दमदार ₹5 में प्रीमियम टेस्ट मीना जी मावा अब प्रीमियम पैक में मीना जी प्रीमियम पान मसाला सिर्फ ₹5 में मस्त मजा मीना जी प्रीमियम पान मसाला अजवाइन के अनगिनत गुणों से भरपूर एक ऐसा पाचक डाइजेस्टिव जो पेट को आराम दे जाए मीना जी पाचक अजवाइन पाचक और गैस नाशक खाने के शौकीन अब कैसी चिंता जब हर खाने के बाद हो मीना जी पाचक आमला खाओ चटपट हजम झटपट मीना जी पाचक आमला अदरक में है प्राकृतिक गुणकारी शक्तियाँ जो पाचक के रूप में है वरदान हेल्दी हर्बल और गुणकारी मीना जी पाचक जिंजर विरोधी परे आपणंकु स्वागत श्री लोकनाथ हेउछंती श्री मंदिर रत्न भंडार रक्षक अमाप संपत्तिर रक्षक किंतु चारि मास धरि सेवकक खर्चरे प्रभु भोग खाउछंती सेवक माने पूर्वरु बाबांक दयारु चळुथिले एबे ठाकुरंक सेवा पूजारे सेवक माने निज निजक अर्थ विनिजोग करि नीति करुछंती निजगर पांठि एबे ह्रास पाइछि सेवक माने चिंतारे पड़िलेनी कारण सेवक माने भी आर्थिक संकटरे अछंती गरीब सेवक माने धार करि परिवार चलाउछंती एभळी परिस्थितिरे ठाकुरंक पूजार्चना खर्च जोगाड़ करिबा कष्टकर बेपार होइगलानी मंदिर सेवक विश्वनाथ महापात्रंक पत्नी दुर्घटनारे आहत हेबा परे 8 लाख टंका ऋणरे बुडीछंती एबे खाइबा जोगाड़ करिबा चिंता होइछि सेहिभळी बलभद्र पंडांक आर्थिक स्थिति भी खराब पिलांक पाठपढ़ा अर्थ जोगाड़ करिबाकु नाकेदम हेउछंती सूर्यनारायण पंडा निजक संपादकंक ठारु धार नै परिवार चलाउछंती एभळी परिस्थितिरे बाबा लोकनाथक सेवा पूजा को अर्थ जोगाड़ करिबा असंभव होई जाइछि प्रशासन ठारु निजक सहायता मागिछि किंतु फल सुन बाबा लोकनाथ आउ तांकर सेवकंक एभळी दुस्थिति श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार कथा उठिले नेता प्रशासन पुलिस हठात चलचंचल होई पड़ंती काले कण होइगला कि समस्तक मनरे नाना प्रश्न उंकी मारी थाए रत्न भंडार सुरक्षित त एही रत्न भंडार रक्षक हेउछंती प्रभु बाबा श्री लोकनाथ बहुत दुर्लभ अलंकार रक्षक श्री लोकनाथ ठाकुरंक अमाप संपत्ति भी रहिछि तांक कथा सुनिले पूरा लोक थरहर हुवंती मंदिर ट्रस्टी हिसाबकु भक्तंक ऑनलाइन दान महाल उपार्जन जमी जमा उपार्जन सबु जाउछि हेले ठाकुर पूजा पई ट्रस्टी सहायता देउनांती कोविड कटकणा जारी हेबा दिनरु प्रभु लोकनाथ बाबांक मंदिर आउ सेवक दुर्दशा भोगुछंती सामान्य भोग टिके जोगाड़ करिबाकु एबे लोकनाथंक सेवक माने धार करुछंती पूर्वरु बाबांक दयारे सेवक चळुथिले एबे मंदिर मालिक बाबा लोकनाथंक सेवारे खर्च करुछंती सेवायत मंदिर सेवायत निजक निज पांठि विनिजोगरे मंदिर सेवा पूजा व्यवस्था करुछि प्रशासन अंततः मंदिर बंद हेबारु आर्थिक अनटन भोगुथिबा सेवायत मानकु यथाशीघ्र साहाय्य करिबा पई सेवायत माने दाबी करिछंती चारि मास हेलानी मंदिर रो उपरे प्रभाव पडुछै तेणुकु नीतिगति परे केवाली सेवायत लोक
जहाँ मंदिर सेवायत सेवायत जो मैंने अच्छा से नीतिगति ही चलुंट कौन से प्रशासन कि कौन से आज्ञा बड़ बड़ अफसर कौन से लोकनाथ हालचाल कहीं बुझार ना कि कौन से लोक ये आसवे ना तेणुक आम पेपर फ्लाट होता है आज्ञा कही पेपर लिखाई दिखाई तेणुक आज कलेक्टर कहते सब कलेक्टर कहते आज पांचटा बेलू मीटिंग डकेबे लोकनाथ पाखे मीटिंग आस मीटिंग जहाँ प्रस्ताव से देवे आज किसी ना कौन से मंदिर बड़ बड़ जगन्नाथ मंदिर तरफ कि प्रशासन तरफ पूरी बाचस्पति अच्छा जो मैंने अच्छा बड़ बड़ी अच्छा कौन से लोकनाथ कौन से अभाव किसी कह रही कह मंदिर कह एक ना सेवायत मंदिर केमी मंदिर चलू केमी मंदिर नीतिगत हो बुझार ना तेणु सेवायत लोक ही चलुं मत ही प्रशासन आज प्रशासन जहाँ कह प्रशासन निर्भर ना ये तो लोक पब्लिक अच्छे टकर इनकम नहीं मंदिर चलो कमी किए चल आजा तेणुक आम जहाँ बुझुच्छ मंदिर जीत पाऊ से करके आम जाऊ अनुगुल जिला पाललढ़ा ब्लॉक बतीसुआ पंचायत गोठुपी ग्रामर हटकिशोर साहू मंगलवार सकाळ समय शौच होबाकु जाउथिबा समय हटात जंगली भालू आक्रमणर शिकार होइथिले। चित्कार करिबारु ग्रामवासी गुरुतर अवस्था रे पाललढ़ा स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती करा जाइथिला। चिकित्सा परे अधिक गुरुतर थिबारु तांको डाक्टर अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा जाइछि। एहिपरी घटना पाललहड़ा रे आगरु मध्य बारंबार भालू आक्रमण घटी चलीथिबा बेले वर्तमान पर्यंत प्रशासन दृष्टि आकर्षण हेउनाही। एहाको नेइ पाललहड़ा रे तीव्र निंदा प्रकाश पाइछि एवं एहार पदक्षेप केबे सरकार नेबे बोली चारिआडे चर्चार विषय पालटिछि। अनुगोल्डो प्रद्युम्न कुमार पालंक रिपोर्ट। कुकुड़ाखंडी ब्लॉक रा तीनी कोरोना योद्धा आज निज कार्य जोग देइछन्। योद्धा कोरोना आक्रांत हेबा परे सुस्थ हो जाइथिले। कोरोना सह लड़ी मध्य ब्लॉक रा टिकनिक खबर वीडियो श्री पात्र रखुथिबा जना पड़िथिला। वीडियो गदाधर पात्र जोगाण निरीक्षक जी प्रशांत सहकारी जंत्री सुजित कुमार प्रमुख महामारी कोरोना रु मुक्त होई आज निज कार्य जोग देइछन्ती। ब्लॉक रा कर्मचारी माने कोरोना आक्रांत रु फेरिथिबा योद्धा मानकु भव्य संवर्धना देइथिबा देखा जाइथिला। धराकोट रु अशेष कुमार पात्रंक रिपोर्ट। पाललढ़ा निर्वाचन मंडली ठारे सरकारंकर योजना फेल। सरकारंक 5T थारु मो सरकार सबु फेल मारिछि। दीर्घ 63 वर्ष बीती जाइथिले मध्य आज भी मौलिक सुविधा ठारु वंचित होई बण पहाड़ भरा सबुज परिवेश मध्यरे लोके अंधारी मूलक भावे जीवन बिताउछन्ती। एहा देखिबाको मिलिछि अनुगुल जिला पाललढ़ा निर्वाचन मंडली झारबड़ा पंचायत रायपाल ग्राम किसान साहिर बलभद्र किसान को पाखरे। से आज को किछि वर्ष हेब शारीरिक दुर्बल हेतु कौनसी कामधंदा करिन परिबरु भोक उपवास रे दिन काटुछन्ती। तांकर मुंड गुंजिबा पई भल घरटिए नथिबरु आकाशर सूर्य किरण और रातिर जह्न आलोक देखा जाइथाए। परिवार कहिले 12 वर्षर गोटिए पुओ ओ स्त्री। बारंबार प्रशासन थारु राजनेता मानकु जणाइला परे मध्य किछि सफल मिलिनी। किंतु सरकारंकर योजना परे योजना चलीछि। किंतु पाललहड़ा निर्वाचन मंडली रायपाल किसान साहिरे योजना आज फेल मारिछि। कारण प्रकृत हिताधिकारी घर खंडे नपाई छिंडा पाल तले जीवन बीतुछि। एथिप्रति प्रशासन दृष्टि देबाकु साधारण प्रश्न उठुछि। अनुगुल रु प्रद्युम्न कुमार पाळंक रिपोर्ट। तांकर त जे से तांकर पु गोटे छोट अछि तांकर पिलाटी पढुछि षष्ठ क्लास रे एवं तांकर स्वामी स्त्री दुई जण से रोगग्रस्त टी अछन्ति एवं घर नाही। से घरटा जहाँ भी अछि से त्रिपाल खंडे घोड़े ना रहिति आज पर्यंत घर नाही। से घर साप कंटिया एवं पानी भी तार दर दर गलुची। ए विषय कौन कह घर खंडे मिले भल हाँ प्रशासन पक्षर आस आप बलभद्र बेहरा आप कौन अभियोग कर घर खंडे तो आप फैमिली के मो पुटे तो गोटे पु
ଆପଣ ଘର ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଲେ? ସରପଞ୍ଚ ବେଲ ମିଳିବ ଏମିତି ଠିକ୍ ଯାଇକି ଲକଡାଉନ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ତୁମକୁ ପରେ ଦିଆଯିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଟିକାପାଲିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ 53 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟିକାପାଲି ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକାଲ କେସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଟିକାପାଲି ବଜାର ସମେତ ତାର ଆଖପାଖର 17 ଗୋଟି କଲୋନୀ ସାହିକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାଡ଼ି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗିଥିବା 10 ଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 199 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି 185 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 14 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ COVID-19 ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ଖବର ସଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।